लखीमपुर च वापरी घटना तो बाद लगातार सियासतदान उत्थे पहुंच रहे ने। पीड़ित परिवारां नूं मिल उहनां दा दुख घटाउण दी कोशिश कर रहे ने, जिसदे चलदिआं अकाली दल दे वफद ने लखीमपुर पहुंच के पीड़ित परिवारां दा हाल जाणिआ। इस दौरान साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल दा कहना है कि लखीमपुर खीरी घटना दे विच शहीद होए किसान लापरी सिंह नूं उसदे घर मिलण गए सन ते उहनां दा दर्द सुन दिल हलूणे जांदे ने। ऐसे नाल ही उहनां वल्लों हर सहायता देण दा भरोसा दित्ता गया। अकाली दल दे वफद नाल SGPC प्रधान बीबी जगीर कौर वी नजर आ रहे ने। जिक्र योग है कि लखीमपुर दे टिकुनिया इलाके दे विच हिंसक झड़प हुई सी, जिस दे विच चार किसान मारे गए सन। दोष है कि केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा दे पुत्तर ने उहनां किसानां ते कार चढ़ाई सी, जिस तों बाद माहौल बिगड़ गया अते चार भाजपा वर्कर भी इस दौरान मारे गए। मंत्री अजय कुमार मिश्रा दे बेटे आशीष मिश्रा नूं इस मामले दे विच नामजद कीता गया। राज नेतावां दे नाल नाल देश दे लोक आशीष दी गिरफ्तारी दी मंग नूं लै के विरोध प्रदर्शन कर रहे ने। उत्थे पीड़ित परिवारां दे घर जा के सियासतदान उहनां दा दुख घटाउण दी कोशिश कर रहे ने। बहुत असहत अकैद दुर्घटना वापरी। दुख दी गल है कि नौजवान बच्चे इस दुर्घटना दे शिकार होए। जो बाबर बाणी फ्री ते गुरु नानक साहब ने कहा, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस ना होई, राजे शी मारे पै वगै खसमै सह परसाई। जे कोई बराबर दा बराबर दे नूं मार देवे ते दुख नहीं हुंदा, लेकिन जदों ताकत दे हंकार विच शक्ति दे हंकार दे विच कोई आ के मानवता दा कान कर देवे, उस वेले वड्डा दुख हुंदा। अज बहुत वड्डा दुख होया। पहला असी लवप्रीत लड़के दे घर गए, बच्चे दे वो भी इको एक बेटा सी। इन्हों दे घर रमन केशव दे आए हैं, ये भी जवान बच्चा भर जवानी 30-35 साल का, और 2 साल का छोटा बच्चा 6-7 साल की बच्ची, जवान अपनी धर्म पत्नी माता पिता नूं छड्ड के चला गया। बहुत दुख है। गुरु रामदास के घर में असी सारी अरदास करके आए हैं, श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सारा वफद, ये सच्चे पातशाह उस बच्चे अपने चरणा च वास्ते ही पिछे परिवार को भाणा मन की ताकत देवी। थोड़ी बहुती सेवा इन्हों बच्चों की पालन पोषण वास्ते गुरु रामदास के घर में प्रसाद के तौर पर असं लैके आए हैं, तो परिवार को असं कहा कि तुम ये प्रवान करो। आने वाले समय च कोई किसी किस्म की लोड़ हो आवाज़ मारो, असं सारे हाजिर। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू। मेरे मन से बार बार आई आई जाता है कि छोटा जहा 2 साल का बच्चा, 10 साल की कुड़ी, जवान घर वाली मापे, इन्हों का बेटा चला गया बेकसूर। एक पत्रकार जिहड़ा सच्चाई का सामना लोगों के सामने जग जाहिर करता सी, उहनू बेरहमी दे नाल कुचल दिता गया। जे समय दे नाल हस्पताल पहुँच जाता शायद बच जाता। इस तरह लवप्रीत भी, वह भी किसी का पुत सीगा, वह माँ का पुत कदे नहीं वापस आऊगा, इस माँ का पुत कदे नहीं वापस आऊगा। तो जिहड़े प्यो का पुत इहदा जिम्मेवार है, अज वह एक गृह मंत्री होने के नाते आप दी ताकत दे नाल सारी पुलिस उहदे अंडर आती है, भावें सूबे की होए भावें देश की होए। अज अपने पुत नूं जिन्हें जाना बेकसूरां दी लित्तियां ने, ना वो मंत्री कुछ कर रहा है ते ना ही उहदा पुत नूं अपना बंदी हुई सज़ा मिल रही है, क्योंकि वो प्यो आप दे पुत नूं बचाने से लग्या। लेकिन पुत पुत हुंदा है, गरीब का पुत भी ओना ही अजीज अपने मापे नूं हुंदा है जिन्हें इस मंत्री साहब नूं अपना पुत है। माता भी तुहाडे नाल बैठे नजर आए, धर्म पत्नी बैठे, बच्चे भी नजर आए, उन्हां नूं परिवार वल्लों की कहा गया तुहानूं? वो कहिंदे सी कि साडा बेटा हमेशा सच का साथ दिंदा सी, सच लई लड़ाई लड़दा सी, उह किसानां दे नाल सी ते सही गल लोकां दे सामने रखना चाहुंदा सी। ते कहिंदे सानूं इह सारा लाइव जिहड़ा दिखा रहे सी जिहड़ा होया, कहिंदे साडा बच्चा जे समय नाल हस्पताल पहुँच जाता तो शायद वह जिंदा होंदा। लेकिन हकीकत आ कि उस दिन सारा प्रशासन ते पुलिस सिर्फ मंत्री दे मुंडे नूं बचाउण च लगी हुई सी, भजाउण च लगी हुई सी। ते इह जिहड़े बच सकदे सी जिन्हां नूं उहनां दी गड्डी ने कुचलिया, उन्होंने वास्ते कोई इन्हों समा नहीं, अज तक इंसाफ नहीं मिलेगा।